राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईके सिटी न्यूज। एक ही परिवार में हुआ खूनी संघर्ष। आज फिर एक बार थाना मलबा क्षेत्र के धनौरी लाल मंदिर पर खूनी संघर्ष देखने को मिला। थाना मलबा पुलिस अपराधों पर अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है, जबकि एक के बाद एक गोलीकांड लूट जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। क्षेत्रीय लोगों को नहीं रहा पुलिस का कोई खौफ। दिन दहाड़े एक व्यक्ति में गोली दाग दी गई। 25,000 रुपए को लेकर हुआ था एक ही परिवार में खूनी संघर्ष। आज सुबह 9:30 बजे करीब धनौली में एक बार फिर से खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लग गई। पूरी तरह से वो व्यक्ति घायल है। दो लोगों के ऊपर चाकू का वार भी किया गया है। आए दिन बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने में मलपुरा पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। रोजाना एक के बाद एक ऐसी वारदातें सामने आ रही हैं। फिलहाल 3 लोगों के नाम तहरीर दे दी गई है। घायल व्यक्तियों को SN हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही थाना मलपुरा पुलिस अनुराग शर्मा CO अश्नेरा मौके पर पहुंच गए। पूरी घटना की जानकारी लेते हुए लोगों की गिरफ्तारी के लिए पूरे प्रयास में जुट चुकी है मलपुरा पुलिस। अब देखते हैं कितनी जल्दी जो घटना को अंजाम दे के फरार हुए हैं लोग, उनको गिरफ्तार कर सकती है। बताया जा रहा है 25,000 रुपए की लेन देन के ऊपर पूरा घटना। आपको बता दें कि यह मामला उधार पैसों को लेकर था। श्यामवती के 25,000 रुपए नेमी चंद पुत्र शीतल प्रसाद पर उधार थे, जो उसने अपनी लड़की की शादी के लिए लिए थे। जब श्यामवती और उसका लड़का पैसे लेने उनके घर गए तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की व उन पर चाकू चला दिया। तब श्यामवती उनके खिलाफ तहरीर देने थाना मलपुरा पहुंची। वहां से लौटने पर नेमी चंद के परिवार वालों ने उन पर फायरिंग कर दी और एक गोली पंकज और बनिया की छाती में जाकर लगी। पंकज को SN हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष मलबा अनुराग शर्मा टीम के साथ पहुंच गए हैं। पुलिस हमलावरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाईके सिटी न्यूज से हरजीत सिंह की खास रिपोर्ट, आगरा से। क्या हादसा हुआ आंटी? मैं आप जानते थे उन्हें पैसे दिए थे? कौन थे वो? अच्छा, फिर आज क्या मामला हुआ? कैसे घटना घटित हो गई? माध्य मंडी से बसों की उनकी पापा ही बस गई तो मैंने भी लाला सौदा ले ही दुकान पे थे तो कह रहे हो पापा ने बच्ची चाहे पैसे लगे तो जाओ करते उनको पैसे पकड़ लो। फिर उसके बाद काम कैसे चला तो हमारे ऊपर क्या चाकू चलाया है? चाकू और अच्छा, घर के कितने लोगों से कितनी चोट आई है लोगों को? यहाँ सब लोग घायल हैं। कितने लोग घायल हैं इसमें? 4 से 5 लोग। 4-5 लोग हम सबर गए बीच बचाव कर रहे थे, सगे ही काट गए। वो कितने लोग थे आंटी वहाँ? वहाँ दे लोग है, नेमी जाके सुराज कुमार और मोड़ी है सुनीता और राकेश भी था साथ में। चाकू चलाए, गोली भी चली है? गोली बाद में चली, मैं माते नक से उमते आई हूँ, पहले तक आके तो गोली चली गई। अच्छा, ले गए थे आप थाने से आए हो, फिर गोली चली है? गोली किसको लगी है? गोली मैं लाला के लगी, पंकज के। कितनी उम्र होंगी? 25 साल। अच्छा, और लोग वो फरार हो गए? और कोई नहीं लाए भाई साहब, मैं तो आती आई हूँ थाने। अभी गोली कांड हुआ, क्या मामला है? बात ये थी कि उनकी बेटी की शादी में और चमन ने और पंकज बनिया ने पैसे दिए थे बेटी की शादी में 25,000। किसको दिए थे? राजकुमार नेमी, जिनके बीच में ये विवाद हुआ है। वो पैसे लेने के लिए सुबह उसके घर गए तो अरुण के जो है उन्होंने दारदार हथियार से वार कर दिया, उनमें तुम्हें हुई और उन्होंने अरुण के जो है यहाँ जो है वो ब्लेड मार दिया। फिर उसको लेकर वो थाने चले गए, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और बनिया और पंकज जो है अपने घर जा रहा था और उन्होंने कहा थाने को रिपोर्ट करा के आया है
उन्होंने उसे रास्ते में रोक दे और बीसा उर्फ राजकुमार ने जो है उस पर फायरिंग की, तो उसने गोली से कैसे फायरिंग की, किससे फायरिंग की, तमंचा था उसके हाथ में। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था ये? ये लेन देन का विवाद है, एक ही परिवार है दोनों। कितने पैसों को लेकर झगड़ा हुआ? रुपए को लेकर। कितने बजे की घटना रही होगी ये? घटना थी आधा घंटा हो गया, 11 बजे की घटना, सुबह पहले जल्दी हुई है, सुबह पहले एक बार जो जो हुआ है वो सुबह जल्दी हो गई है, और ये दूसरी बार हुई है, आज ये दूसरी बार घटना है, दूसरी बार पुनरावृत्ति गोली जो कांड हुआ है वो रिपोर्ट कराने के लिए हुआ है कि तूने हमारे खिलाफ रिपोर्ट की। पहले जो घटना हुई थी तब उसको कॉल नहीं किया था, एक नंबर पर थाने गए थे, क्यों नहीं थाने को लेकर वो एडमिट करा दिया था हमने उसको। कपूर में भी झगड़ा पहले से चला आ रहा था या कोई विवाद नहीं? खास एक ही परिवार है, चाचा ताऊ के सब एक ही परिवार का। पुलिस कितने देर में आ गई थी पतंजलि? तुरंत पुलिस आ गई घटनास्थल पर, जैसे ही उस लड़के को गोली कांड हुआ है पुलिस आ चुकी थी बिल्कुल। अच्छा, घायल व्यक्तियों को पुलिस ले गई थी कि आप अपने लोग ही ले गए थे? हमने ही उसे जो हमें ऐसे एडमिट करा दिया है। कितने लोगों को गोली लगी? एक आदमी को गोली। कहाँ पे लगी है गोली? सीने पर गोली लगी। और ये घटना गला दबाया गया, उससे चाकू से वार किया गया है जी। कितने लोगों को किया गया वार? वो अरुण के लगा है और एक और चमन के भी लगा है। जो फायरिंग हुई थी वो कितने राउंड हुए थे? 2 राउंड फायर हुए, एक उसके लगाए और एक हवाई बार हुआ। क्या नाम भैया? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, क्या ये गोली वाली घटना है? आज सुबह ये हादसा हो गया बहुत तगड़ा, कैसे हुआ है? कुछ नहीं सर, आपस की बात थी, एक ही परिवार है ये जी। एक परिवार जो अपने 25,000 रुपए शादी में दिए थे बेटी की में, वो पैसे मांगने आए थे माँ और बेटा जी, तो कुछ आपस में कहा सुनी, इन्होंने पहले गुस्से से प्रहार कर दिया। प्रहार करने के बाद वो लोग थाना चले गए, थाना चलने के बाद वो राजकुमार आता है, राजकुमार उस बीसा और वो गाड़ी क्रॉस करके कहता है आ जा ठाकुर साले, तेरी लड़की की स्टेसी करूँगा। और बनिया कहाँ है? बनिया अक्स माधी उधर से गाड़ी पे आ ही रहा था कि राजकुमार ने सीधा उसे स्ट्रेट गोली मार दी। किस, आप कहाँ थे तब गोली चली? हम उस समय अपने घर मकान पे खड़े थे, तो थोड़ी दूरी पे देखा था आपने? हाँ, हमने देखा था। क्या लगा हुआ? कितने लोग थे गोली चला रहे थे? सिंगल आदमी था एक। क्या पारिवारिक मामला था या? पारिवारिक मामला है, कोई रंजिश नहीं है। पहला कितने लोग घायल हैं और भी जो चाकू चलाए गला रेता गया है? 4 से 5 लोग घायल हैं। अच्छा, पुलिस कितने बजे आ गई थी यहाँ पर? पुलिस आ गई है गोली चलने इसके तुरंत बाद ही पुलिस आ गई है। तब तक गोली चल चुकी थी? गोली चल चुकी थी, पुलिस रोड पे थी, गोली अंदर। अच्छा, चल चुकी। जो घायल हुए उन लोगों को पुलिस ले गई थी या आप ले गए थे? नहीं, हम लोगों ने बाइक पे बिठा के भिजवा दिया था एस एन मेडिकल कॉलेज।